हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एडवांस ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। एडवांस ज्योमेट्री का पहला पार्ट है यार, और पहला प्रश्न देखिए एडवांस ज्योमेट्री का। प्रश्न है कि दिए गए त्रिभुज एबीसी में कोण ए 40 डिग्री, बीपी और सीपी क्रमशः कोण बी एवं कोण सी के सम विभाजक, तो कोण बीपीसी का मान बताइए। त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, और कोण बी और कोण सी के सम विभाजक यानी कोण बी और कोण सी के सम विभाजक पी पर मिल रहे हैं, और कोण ए बराबर दे दिया है 40 डिग्री, तो पूछ रहा है कोण बी पी सी का मान क्या होगा ना। तो आपको पहले थ्योरम बता चुके हैं कि किसी त्रिभुज में कि नहीं दो कोणों के अंतः सम विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, किसी त्रिभुज में कि नहीं दो कोणों के अंतः सम विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वहां पर बनने वाला जो कोण होता है एक समकोण और तीसरे कोण, तीसरा कोण यही बच गया, तीसरे कोण के आधे के योग के बराबर होता है। तो कोण बी पी सी बराबर हो जाएगा 90 प्लस कोण ए बाई टू। 90 या प्लस कोण ए का मान 40, 40 का आधा 20, तो 90 या 20 110 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। जो यहां जो कोण बनेगा वह तीसरा कोण के आधा और एक समकोण दोनों के योग के बराबर होगा। समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, बिता दू से देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। आर त्रिज्या वाले दो एक समान वृत्त इस प्रकार पर प्रतिच्छेद करते हैं जिससे कि दोनों एक दूसरे से केंद्र से होकर गुजरते हैं, तो सार्वजीवा की लंबाई पूछ रहा है। सार्वजीवा मतलब वैसी जीवा जो दोनों वृत्त में शामिल हो। तो आर त्रिज्या वाला दो वृत्त है और दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं। आर त्रिज्या वाला एगो के केंद्र यहां होगा और यह इसी के केंद्र से होकर ई भी गुजरेगा, इसके केंद्र से होकर ई गुजरेगा, इसके केंद्र से होकर ओ गुजरेगा, और दोनों की त्रिज्या है आर से। तो सार्वजीवा की लंबाई पूछ रहा है, ई जो जीवा होगा ई वाला उसकी लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए यहां से यहां ई आर हुआ, ई आर हुआ और ई आर हुआ, यहां से ई परिधि तक इस वृत्त की त्रिज्या होगी, यहां से ई तो केंद्र है, यहां से इस परिधि तक इस वृत्त की त्रिज्या हो गया, दोनों की त्रिज्या समान है। तो आर त्रिज्या वाले दो वृत्त, जो दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं, तो ई जो जीवा है, ई वाला जीवा ना, सार्वजीवा जो दोनों में शामिल है, सार्वजीवा की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए ई आर ई आर ई आर, तो इस त्रिभुज के तीनों भुजा समान, त्रिभुज के तीनों भुजा समान माने तीनों कोण समान है ना। तो यह तो समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज में यहां पर 90 का कोण बनेगा, तो यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई हो गई। अगर ई एच होगा तो ई भी एच होगा। समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बराबर क्या होता है, रूट 3/2 गुने भुजा। अब भुजा के मान कितना दिले है, ये त्रिभुज के भुजा के मान कितना दिले है, आर न। समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बराबर रूट 3/2 गुने भुजा, इतना यहाँ एच मान लिए तो इधरों तो ये एच है, तो दो से गुना करेंगे तब ना पूरा जीवा की लंबाई आएगी, तो दो से दो कट गया, तो रूट 3R हमारा उत्तर हो गया, ठीक है, मिटा दे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एबी लंब बीसी हो तो निम्न में से कौन सी बात सही होगी, यह पूछ रहा है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, एबीसी और एडी लंब है, एडी लंब है बीसी पर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा संबंध सही है। तो समबाहु त्रिभुज है जब ही तो ये तो ऊंचाई हो गई, समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बराबर रूट 3/2 गुने भुजा। तब देख रहे हैं कि भुजा एबी भी ले सकते हैं, बीसी भी ले सकते हैं, एसी भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन से देखिएगा तो भुजा एबी पर है, सारा ऑप्शन एबी पर है,
तो ए भी ले लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बराबर हो गया रूट थ्री बाई टू गुने भुजा, तो भुजा ए भी ले लिया। ये किसका मान है? एडी का। ऊंचाई बराबर यानी एडी बराबर, तो रूट थ्री ए बी बराबर टू एडी। अब बराबर के दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो रूट तीन के स्क्वायर तीन है, ए बी स्क्वायर बराबर दो के स्क्वायर चार है ए बी स्क्वायर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी ऐसा ही है ना, क्या समझ में आ रही है बात? अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न ज्यादा इसे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक बाह्य बिंदु ओ से खींची गई छेदक रेखा दिए हुए वृत्त को बिंदु ए और बी पर इस प्रकार काटती है कि ओए बराबर चार सेमी एवं ओबी बराबर नौ सेमी। तो बिंदु ओ से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्शी रेखा की लंबाई क्या होगी? तो कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है, उसके बाहर कोई बिंदु है ओ, यहां से एक रेखा खींची गई है जो वृत्त को ए और बी पर काटती है। अब यहां ए ले कि यहां ए ले, इसके सस्पिशन को दूर करने के लिए आप देखिए कि ओ ए की लंबाई दिए हुए चार ओ बी का नौ, तो ए यहां होगा नजदीक ओ के, तभी तो ये चार होगा, ये पूरा नौ है तो ये पांच होगा। क्या यहां से ए बी की लंबाई कितनी होगी? पांच होगी। तो पूछ रहा है कि इससे जो इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे उस स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, ठीक है, इसको टी मान लेते हैं। तो आपको जब एक थ्योरम पढ़ाए थे, देखिएगा शुरू से आप लोग देखिएगा वीडियो, तभी जाके समझ में आएगा। ऐसा तो मैं सारा थ्योरम सारा क्वेश्चन पर बोलते जाता हूं, लेकिन आप फिर भी एक बार थ्योरम देख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पर्श रेखा का जो वर्ग होता है, स्पर्श रेखा का वर्ग इस यहां से बाह्य भाग और पूरे भाग के गुणनफल के बराबर होता है, यानी ओ ए गुने ओ बी के बराबर होगा। ये बाह्य भाग और टोटल भाग के गुणनफल के बराबर होता है स्पर्श रेखा का वर्ग। तो ओ टी स्क्वायर बराबर ओ ए गुने ओ बी, तो ओ टी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ओ ए गुने ओ बी, है ना, होगा ना। ओ ए का मान है, ओ ए का मान चार और ओ बी का मान चार पांच नौ, तो नौ चौक छत्तीस के वर्गमूल यानी छ सेमी हमारा उत्तर हो जाएगा। ये चार सेमी दिए हो या पूरा नौ सेमी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, को मेरे समझ से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मिटा दे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, देखिए पिक्चर इस तरह का है कुछ। ये दिए हुए है ए बी सी, यहां से लंब खींचा है, यहां से माधिका लिया है, लंब देले है डी, माधिका है ई। माधिका मतलब क्या होता है? जो भुजा के मध्य में हो ना, ये दोनों बराबर होगा, ई अगर एक्स तो ई भी एक्स, ठीक है। तो ये दिए हुए है 40 डिग्री, ई दिए हुए है 60 डिग्री। तब पूछ रहा है आपसे कौन ए ई डी ए ई डी ई वाला कौन पूछ रहा है, ठीक है। अब समझिए, किसी त्रिभुज में माध्यिका और लंब के बीच जो बनने वाला कोण होता है ना, आपको पढ़ाए थे इस तरह का थ्योरम कि किसी त्रिभुज में लंब और माध्यिका के बीच जो बनने वाला कोण होता है वह अन्य दो कोणों के अंतर के आधे के बराबर था, ए बी सी मान लीजिए। तो कोण मान लीजिए ए है, ई डी है, ई ई है, तो डी ए ई बराबर हो जाएगा, डी ए ई बराबर लंब और माध्यिका के बीच बनने वाला जो कोण होता है अन्य दो कोणों के अंतर के आधे के बराबर होता है।
अर्थात कोण B माइनस कोण C बाई टू होगा या कोण C माइनस कोण B बाई टू होगा। दोनों में से जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाला को घटाकर दो से भाग दे दीजिए, हमारा इस कोण का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर देख रहे हैं डी ए ई की वैल्यू निकालना है, तो ई निकालते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 60। एक तो अन्य दो कोनों में से एक 60 है, 40 है, तो 60 माइनस 40 बटा दो, तो 60 में से 40 गया 20, 20 बटा दो यानी 10, तो ई कोण आ गया हमारा 10। अब ई 10 है, यहां लंब है मतलब ई 90 है, ई कोण तो 90 है ना। तो जब ई 10 है, ई 90 है, तो 90 या 10 100, ऐसे करके एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180। 180 में से 180 में से 90 या 10 100 है, तो ई कोण कितना बच जाएगा 80 डिग्री। तो इस तरह से हमारा कोण ए ई डी हो जाएगा 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मिटा दें इसे। सदियों पुराना है यारो अपना याराना है। देखिए कह रहा है एबीसीडी एक क्षैतिज वर्ग है, वर्ग के विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, कोई वर्ग है। ठीक है, एबीसीडी कोई वर्ग है, वर्ग के विकर्ण जो है एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब एबीसीडी वर्ग है, ए बी सी डी। ठीक है, कह रहा है कि वर्ग के विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं एक 40 सेमी लंबी ऊर्ध्वाधर छर ओपी, एक ओपी एक कोई छर है। ठीक है, ओपी यहां से ही छर है, तो पीए की लंबाई पूछ रहा है, यह 40। यदि वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 20 सेमी है, ई जो है भुजा वह 20 सेमी। ठीक है, समझिएगा, यह मान लीजिए वर्गाकार है। ठीक है, ये पूरा भाग वर्गाकार है, वर्गाकार है, इसके विकर्ण यहां पर मिलेंगे, विकर्ण जहां मिलेंगे वहां अगर हम खंभा लगाते हैं तो ये तो जमीन के साथ ऐसे, अगर ये खंभा लगा दिए तो ये जो है जमीन के साथ किधर से भी 90 का कोण बनाएगी। अगर खंभा हम जमीन में ऐसे लगा दिए तो जमीन के साथ तो किधरों से 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो यहां पर जो ये बनेगा ये तो 90 का कोण होगा। 90 के कोण के सामने का भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। अब देखिए कर्ण है, ये लंब है 40 पता, ये अगर पता चल जाए तो ये 90 के सामने वाला भुजा ये कर्ण है, वो निकाल लेंगे तब एपी के लंबाई ना आ जाएगा, है ना, आसान। तो हमको ई पता करना है, तो पूरा विकर्ण जो होगा, पूरा विकर्ण बराबर हो जाएगा रूट टू ए, आधा के लिए हमको आधा ही ना चाहिए, आधा के लिए दो से भाग दे दिए, है ना। वर्ग के विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट टू गुने भुजा, होता है ना जी, मेंसुरेशन पढ़ चुके बढ़िया से, रूट टू गुने भुजा। तो पूरा विकर्ण हो गया रूट टू ए, हमको आधा चाहिए तो रूट टू ए बाई टू, तो रूट टू बाई ए का मान है 20 बटा में 2, तो 2 से कट गया 10 बार, तो 10 रूट 2 आ गया। ठीक है, 10 रूट 2 आ गया इतना। अभी यहां पर 90 का कोण बन रहा है, लंब है, आधार है, तो एपी का मान ना पता चलेगा, एपी कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर हो गया लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी 10 रूट 2 का स्क्वायर आई पूरा का रूट, तो 40 के स्क्वायर 1600 प्लस 10 के स्क्वायर 100 और रूट 2 के स्क्वायर 2, तो 100 दुना 200 पूरा का रूट हो जाएगा 1800 को लिख सकते हैं 30 रूट 2, तो 30 गुने रूट 2 का मान 1.414 इतना होता है, शायद गुना करके जो आता है वो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 42.4। ठीक है, इतना ऑप्शन के अनुसार, कि आप गुना कीजिएगा
इसके बाद भी कोई अंक आएगा लेकिन लगभग 42 आएगा। तो आप देख लीजिएगा रूट टू का मान गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, नफरत हो या चाहत आसान नहीं होती, आंसू खुशी के दम के होते हैं एक जैसे, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। ला 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 ला। अब देखिए, माना किसी समतल में कोई त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज में बिंदु ओ इस प्रकार है कि ओबी और ओसी कोण बी और कोण सी के समविभाजक है, यदि कोण बीएसी बराबर 60 डिग्री है तो कोण बीओसी का मान बताइए। आपके पास प्रश्न है तरह की एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी कोण सी के समविभाजक कहां मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं, कोण ए दिए हुए है 60 डिग्री, तो आपको कोण बी ओ सी का मान पूछ रहा है। अभी अभी ऐसा पढ़े हैं ना, उसमें पिक्चर दिए हुए था, इसमें लैंग्वेज के रूप में दिए हुए है। तो किसी त्रिभुज में किन्हीं दो कोणों के अंतर समविभाजक से बनने वाला जो कोण होता है वह एक समकोण और तीसरे कोण के आधा, तीसरे कोण के आधा के योग के बराबर होता है। तो 90 या प्लस 60 के आधा 30, तो 90 या 30 120 डिग्री हो गया हमारा उत्तर। ए यार जाओ ना, क्यों परेशान कर रहा है, जा मिटा दे। देखिए एबीसी एक त्रिभुज है तथा एबी पर बिंदु पी इस प्रकार है कि कोण एसीपी बराबर कोण एबीसी, कोई त्रिभुज एबीसी है, चलिए त्रिभुज एबीसी ले लिए, एबीसी, एबी पर कोई बिंदु पी है और सीपी इस प्रकार है, सीपी इस प्रकार है कोण एसीपी, कोण एसीपी बराबर है कोण ए बी सी, अच्छा ये दोनों कोण समान है, ठीक है, देखने में नहीं लगता आप मान के चलिए ये दोनों कोण समान है, अगर ई एक्स है तो ई भी एक्स है। तो कह रहा है कि एसी बराबर 9, एसी का मान है 9, सीपी बराबर 12, सीपी का मान है 12, और बीसी बराबर 15, बीसी के वैल्यू है 15, तो एपी के वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको तो एक्स माने हुए है ये, है ना, इसको के मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, कोई फर्क पड़ता है ना। तब देखिए ठीक है, लोग कहता है दिन खराब होता है तो माछी लथार मारता है ना, देखिए तो माछी लथार मार रहा है। देखिए आप लीजिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए सी पी, ठीक है, ए बी सी ए सी पी में तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में भी कोण ए है और त्रिभुज ए सी पी में भी कोण ए है, तो ए वो कोण तो दोनों त्रिभुज का बराबर हो गया, दूसरा कोण ए सी पी ए बी सी दोनों बराबर है, त्रिभुज ए सी पी में ई एक्स और त्रिभुज ए बी सी में ई एक्स, दोनों कोण दो कोण समान हो गए, तो तीसरा तो अपने आप समान हुआ, तो ये तो हो गया समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, लेकिन संगत भुजा में हमको यह देखना है कि हम कौन सा भुजा ले, दिए हुए कोण है या कुछ कोण रहा है। तो देखिए दोनों त्रिभुज में हम कोण ए के सामने भुजा, सामने की भुजा ले सकते हैं, तो बड़का त्रिभुज में कोण ए के सामने की भुजा बी सी लिए, तो छोटका त्रिभुज में सेम कोण के सामने की भुजा कौन हो,
तो सीपी होगी। उसी तरह से बड़े वाले त्रिभुज में कोण बी के सामने की भुजा एसी लेना पड़ेगा, तो छोटे वाले त्रिभुज में ऐसा ही कौन छोटे त्रिभुज में कौन है ई वाला, इसके सामने की भुजा एपी ले लेंगे। ठीक है, अब बीसी के मान आपको दिया हुआ है, बीसी का मान 15, सीपी का मान 12, एसी का मान 9, एपी का मान, तो एपी रहने दीजिए, के माने हैं नहीं मानेंगे तो यू चलेगा, एपी ही रहने देते हैं ना। तो काट दीजिए 3 3 9 3 5 15, क्रॉस गुना करेंगे तो एपी बराबर हो जाएगा 12 3 36 बटा में 5, तो भाग दे दीजिए 7 5 35 7.2, ये सब सेमी में है तो ये भी सेमी में हो जाएगा। दिए गए चित्र में, तो दिया गया चित्र चित्र यहाँ है, आप उधर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि एसी के समानांतर है क्यूआर, बीसी के समानांतर है पीक्यू और पीआर के समानांतर है ए, तो निम्न में से कौन सा रिलेशन सत्य है, यही पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए गौर से देखिएगा कि पूरा के समानांतर है बीसी, तो हम रिलेशन किस रूप में खोज रहा है, एसी और क्यूआर में ना, एसी और क्यूआर में। चलिए तो एसी और क्यूआर में देखिए, ये पूरा के समानांतर है दिए हुए है कि एसी के समानांतर है क्यूआर, तो क्या बीक्यू के समानांतर एसी नहीं होगा, एसी के समानांतर है पूरा तो इतना के समानांतर ही होगा, तो होगा बिल्कुल होगा, एसी समानांतर हो जाएगा बीक्यू, पूरा के समानांतर है ई वाला तो इतना के समानांतर ही ना होगा, बिल्कुल होगा, तो बीसी समानांतर हो जाएगा, बीसी के समानांतर हो जाएगा पीक्यू। ठीक है, पीक्यू या एक्यू, बीसी के समानांतर हो जाएगा एक्यू, बीसी समानांतर एक्यू, तो इतना के समानांतर ई या इतना के समांतर ई, तो ई हो गया समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर होती है, तो हम लिख सकते हैं कि बीक्यू बराबर एस, बीक्यू बराबर एस, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब बीक्यू बराबर एसी आ गया, अब समझिएगा कि पूरा के समांतर है ई तो इतना के समांतर भी तो ई होगा, तो बिल्कुल होगा, बी आर समांतर हो जाएगा एस। अब ये पूरा के समांतर है ई वाला, ए बी समांतर पी क्यू पी आर दे रहा है, ए बी के समांतर है पी आर, तो क्या सी आर के समांतर ए बी ना होगा, तो बिल्कुल होगा, तो सी आर के समांतर ए बी, सी आर के समांतर ए बी, तो इसके समांतर ई और इतना के समांतर ई, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो हम लिख सकते हैं बी आर बराबर एसी, बी आर बराबर एसी। तब हम देखते हैं कि क्यू आर बराबर, पूरा क्यू आर बराबर लिख सकते हैं बी क्यू प्लस बी आर, पूरा क्यू आर बराबर बी क्यू प्लस बी आर, अब बी क्यू के क्यू आर बराबर हो जाएगा, बी क्यू के जगह पर हम एसी लिख सकते हैं, अब बी आर के जगह पर एसी लिख सकते हैं, तो क्यू आर बराबर 2ac, ऐसा कोई ऑप्शन है, तो है क्यू आर बराबर बटा में 2 ने गुना में ना चल जाएगा क्या, तो है ये, तो यही हमारा उत्तर हो गया ना, इधर ही गुना में है तो उधर भाग में चल जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दे अभी से। समझिए अब नेक्स्ट प्रश्न, त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका किस बिंदु पर, सॉरी जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में बांटती है। हम पहले भी लिखा चुके हैं कि त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में बांटती है, डायरेक्ट याद रखिए,
कि त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे को दो अनुपात एक में बांटती है। माध्यिका किसे कहते हैं? ई बराबर ई हो, ई बराबर ई हो, ई बराबर ई हो, माध्यिका हो गया। यहां जो एक दूसरे को काटा तो इस शीर्ष वाला भाग और भुजा वाला भाग का रेशियो हमेशा दो अनुपात एक होगा। ई दो होगा, ई एक होगा, दो भाग होगा ये एक भाग होगा, दो भाग होगा ये एक भाग होगा। तो अगर ये पूरा के लंबाई 12 दे दिया तो दो एक तीन यूनिट बराबर 12, तो एक यूनिट बराबर 4, तीन यूनिट बराबर 12, तो एक यूनिट बराबर 4। तो अगर ये पूछ दिया तो 4 दूना 8 है, 4 हो जाएगा। ये पूरा के लंबाई 9 दे दिया तो दो एक तीन यूनिट बराबर 9 न, तो दो एक तीन यूनिट बराबर 9, तो एक यूनिट बराबर 3, तीन दूना 6 आई 3 हो जाएगा। तो हमेशा दो अनुपात एक मारिएगा, एक अनुपात दो भी ऑप्शन में रहेगा लेकिन एक अनुपात दो नहीं मारना है, ठीक है? मिटा दे। त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे को दो अनुपात एक में बांटती है। अब देखिए करा, यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी पर बिंदु डी से बीसी के समांतर एक रेखा खींची जाती है जो एसी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं? देखिए आपके पास प्रश्न है, कोई त्रिभुज एबीसी है, ठीक है? यहां तक दिख रहा है? अब कोई त्रिभुज एबीसी और बी एबी के भुजा, एबी के एबी भुजा से कह रहा है कि एबी पर बिंदु डी से बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई, डी है, अब बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई है जो एसी को ई पर मिलती है। आई दोनों समांतर रेखा है, डी समानांतर समांतर बीसी दिए हुए हैं, ठीक है? जब ये दोनों समांतर रेखा है, त्रियक रेखा है, तो ई कोण जितना होगा उतना ही ई कोण होगा, ई कोण जितना होगा उतना ही ई कोण होगा, ठीक? तो त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी बड़का त्रिभुज, ये छोटका त्रिभुज इससे ऊपर वाला ये पूरा त्रिभुज, दोनों समरूप त्रिभुज होगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है और जो रेशियो बड़का त्रिभुज में लेंगे वही रेशियो छोटका त्रिभुज में हमेशा सही, ठीक है? लेकिन जैसे हम इसमें क्या क्या ले सकते हैं, देखिए एडी, अगर छोटा त्रिभुज का एडी लिए तो बड़का त्रिभुज के सेम भुजा लेना पड़ेगा। एडी ऐसा कि दूगो बला के सामने एडी है, तो बड़का त्रिभुज में दूगो बला के सामने एबी है, तो एबी हम लेंगे तो ये गलत नहीं होगा, बराबर। एगो बला के सामने ए है, तो बड़का त्रिभुज में एगो वाला के सामने पूरा एसी लेंगे तो ये गलत नहीं होगा। अगर ई कोण जो है, कोण ए, कोण ए जो है ये तो छोटका छोटे वाले त्रिभुज में भी शामिल है, बड़े वाले त्रिभुज में भी शामिल है, तो इसके सामने की भुजा अगर डी लेते हैं तो बड़का त्रिभुज में इसी कोण के सामने की भुजा बीसी लेंगे तो ये गलत नहीं होगा। मान लीजिए यहां से लंब भी खींचते, यहां लंब होता, ये पी होता, ये आर होता, तो अगर छोटा त्रिभुज का लंब एपी लेते हैं तो बड़ा त्रिभुज का एआर लेंगे तभी सही होगा। मतलब जो रेशियो हम बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं वही रेशियो, अगर वही चीज अगर छोटे वाले त्रिभुज में होता है तो गलत नहीं हो, लेकिन इसके क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा, इसके क्षेत्रफल का रेशियो हमेशा संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा, संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है? तो इसमें एक ऑप्शन देखिए आप कि कह रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात, सी नंबर ऑप्शन देखिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2AB अनुपात AD। क्षेत्रफल तो भुजा का वर्ग होता है, यहां पर दुगुना दिए हुए, तो क्या यह सही है? ऑप्शन सी तो नहीं, बिल्कुल गलत है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। पूछ रहा कि कौन सा नहीं हुआ, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर 60 डिग्री है,
निम्न कोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में कोण ए बराबर 60 डिग्री है। चलिए 60 डिग्री ले लिए। यदि त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र ओ है, लंब केंद्र ओ है, चलिए यहां से ही लंब खींचे, यहां से ही लंब खींचे, लंब केंद्र है ओ। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो कोण ओ ए सी और प्लस कोण ओ सी ए, तो यहां से भी हम तो लंब खींच सकते हैं ना, यहां से भी लंब खींच सकते हैं। तो कह रहा है कि कोण ओ ए सी, कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ सी ए, कोण ओ सी ए बराबर क्या होगा, अर्थात ई वाला कोण, ई वाला कोण का योग पूछ रहा है। देख लेते हैं, देखिए यहां 90 है, लंब मतलब कि यहां 90 का कोण बनाएगा, ई 90 है ना, ई 90 होगा, ई 90 होगा। अच्छा कोण ए बराबर 60 डिग्री नहीं दिए हुए, गलत लिख दिए ना, कोण ए बी सी 60 डिग्री, सॉरी सॉरी, कोण ए बी सी ई वाला है 60 डिग्री, ई 60 डिग्री है। तब गौर कीजिएगा कि ई एक दो तीन आई चार, चतुर्भुज हुआ ना, चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री, 360 डिग्री में से ई 90, ई 90 तो 90 180, 90 या 90 180, तो 360 ही चारों कोण का योग, ये दोनों मिलकर 180, तो ई वाला कोण, ई वाला कोण मिलकर 180, तो ई 60 है, तो ई कोण हो गया 120। ई वाला जो कोण है, यहाँ पर ऐसे करके साफ करके लिख देते हैं, ई वाला जो कोण है वो हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब ऐसे करके ई रेखा, ऐसे करके ई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो सम्मुख कोण से ये दोनों कोण, ई कोण 120, तो ए हो 120, दिख रहा है ना साफ साफ, क्या ई कोण 120, तो सम्मुख कोण इससे ई है, ई भी कोण 120। ई देखिए, ई वाला एक त्रिभुज है, ई वाला एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, 180 में से अकेले 120 है ना, तो ई दोनों के जोड़ का कितना, वह ना पूछ रहा है कि कोण ओ, ई ओ है यहाँ पर, ओ ए सी और ओ सी ए, तो 180 में से 120 घटा देंगे तो 60 डिग्री जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा, ई दोनों कोण का योग 60 डिग्री होगा। क्लियर है, मिटा दे। अब देखिए करे, माना एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज, भुजा एबी पर कोई बिंदु पी, समांतर चतुर्भुज कोई एबीसी, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, भुजा ए बी पर कोई बिंदु पी है, चलिए पी है, ए बी पर कोई बिंदु पी है, यदि डीपी और सीपी को इस प्रकार मिलाया जाता है, डीपी और सीपी को इस प्रकार मिलाया जाता है कि कोण ए डी सी, कोण ए डी सी और कोण बी सी डी, बी सी डी को समद्विभाजित करते हैं। अच्छा ई कोण अगर एक्स, तो ए हो एक्स, ई वाई तो ए हो वाई, ए कहने का मतलब है कि ए डी सी और बी सी डी को समद्विभाजित करते हैं। तो कुछ क्या रहा है, तो समद्विभाजित करते हैं, तो डी सी बराबर है, डी सी बराबर क्या रिलेशन है, तो हम डी सी बराबर ऑप्शन में देख रहे हैं कि सारा रिलेशन जो है वो सी बी में, सारा रिलेशन सीबी के फॉर्म में है। चलिए ई दोनों तो समांतर रेखा है, ई त्रियक रेखा है ना, इसके समांतर ई है, ई त्रियक रेखा है, तो ई एक्स तो ए हो एक्स होगा ना। अब इस त्रिभुज में आते हैं तो दो गो कोण समान है, इसका मतलब ई दो गो भुजा समान होगा, तो हम लिख सकते हैं एपी बराबर एबी, एपी बराबर ए बी, देखने में नहीं लगता है लेकिन अब आ गया तो मानना ही पड़ेगा,
दू कोण समान तो दूगो भुजा समान, तीन कोण समान तो तीनो भुजा समान। अब देखिए, अब ई दोनों समांतर रेखा है आ ई त्रियक रेखा है, तो एक अंतर कोण से ई वाई तो ए हो वाई। अब इस त्रिभुज में आते हैं ई वाला त्रिभुज में, तो इसके बराबर ई हो जाएगा क्योंकि ई दोनों कोण समान, तो इस त्रिभुज के दूगो कोण समान था, दूगो भुजा समान। तो हम लिख सकते हैं बी सी बराबर बी पी, बी सी बराबर बी पी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ए बी बराबर, ए बी बराबर बराबर अगर लिखना होगा तो ए पी प्लस बी पी लिखेंगे, ए बी बराबर ए पी प्लस बी पी लिखेंगे। आ ए पी के बराबर ए बी आया है, ए पी बराबर ए बी, तो हम ए पी के जगह पर ए बी लिख सकते हैं बी सी बराबर, अब बीपी के जगह पर, बीपी के जगह पर बीसी लिख सकते हैं, तो प्लस बीसी। अभी देखिए, समांतर चतुर्भुज था, प्रश्न में कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होगी, तो इसके समांतर ई है ना, इसके समांतर ई है और इसके बराबर भी ई है, तो हम लिख सकते हैं बीसी बराबर, बीसी बराबर लिखा गया ए बी बराबर, तो हम ए बी के जगह पर सी डी लिख सकते हैं, तो सी डी बराबर ना, सी डी बराबर हो जाएगा ए बी, तब ए बी के जगह पर बी सी लिख सकते हैं, और प्लस ही बी सी एगो है, तो सी डी बराबर टू बी सी हो जाएगा, ऐसा हमारे ऑप्शन में है ना, सी डी बराबर हो जाएगा टू बी सी, तो सी डी के मान पूछ रहा है टू बी सी, कोई दिक्कत नहीं, मेरे समझ से तो नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए क्या। चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट प्रश्न में बाकी वीडियो डाल, बाकी क्वेश्चन बतलाते हैं। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।